Hey guys, channel, और आज में हम देखने वाले हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेके आप कैसे उसे यूज में ले सकते हैं सो so इसके लिए आपको आई मेजिंग टूल डाउनलोड करना होगा सो आई मेजिंग आई मेजिंग के ऑफिशियल वेबसाइट इमेजिंग फॉर पीसी सो so, आप दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं इसे मैक में भी और आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सो जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड का पॉपअप आ, आ जाता है यू कैन जस्ट सेव इन सो हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दैट आईमेजिंग टूल जहाँ पे आपके इस पे दो वर्जन मिलते हैं आप इसको बाय भी कर सकते हो और यू कैन यूज़ द ट्रायल वर्जन एज वेल सो यहाँ पे मैं आपको ट्रायल वर्जन यूज करके ही बता रहा हूँ सो आईमेजिंग आने के बाद पे आ, यहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू ट्राई देन ये बताता है कि प्लीज कनेक्ट एन एप्पल डिवाइस सो यहाँ पे आपको विथ दी हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट करना होगा सो so, मैं जैसे ही यहाँ पे फोन कनेक्ट करता हूँ एंड जस्ट अनलॉक योर फोन सो जैसे ही आप यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं फोन को एंड अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं डेट मेरे फोन की डिटेल्स वगैरह एंड ऑल एंड राइट right साइड में आप देख सकते हैं कि जैसे बैकअप पर री स्टोर ये सारे ऑप्शन है बट आधे पेड है एंड आप ट्रायल वर्जन में भी यूज़ दे सकते हैं बट यस इफ अगर आपको सिर्फ आई पी एफ आईल एक्सपोर्ट करना है सो यू कैन यूज़ लाइक द ट्रायल वर्जन सो ऑन योर राइट हैंड साइड यहाँ पे आपके मैनेज एप्स का ऑप्शन है सो so, जैसे मैनेज एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ सो इट विल टेक टाइम एंड यहाँ पे मेरे पास फोर्टी नाइन एप्लीकेशनस है So, devices, and पे आपके से ऑप्शन है लाइब्रेरी सो लाइब्रेरी के अंदर आपको ऑप्शन होगा कि डाउनलोड अवेलेबल सो यहाँ पे आपके पास सारी एप्लीकेशंस uh, है जो कि आप लाइक आई पी ए फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके फोन में से सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि uh, सबसे छोटी साइज की अप्लीकेशन देख लेते हैं विच इज ड्रॉप शेडो सो ड्रॉप शेडो की मुझे आई पी ए फाइल चाहिए या फॉर एग्जाम्पल स्टीम So, के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लाउड बटन सो इट विल आस्क अबाउट योर एप्पल आई डी एंड पासवर्ड सो यहाँ पे आपको एप्पल आई डी और पासवर्ड डाल देना है सो so, एंड uh, अगर आप फर्स्ट uh, टाइम कर रहे हैं सो इट विल आस्क फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एस वेल सो so, पे पे मेरे यहाँ पे मेरे पास पास स्टीम का डाउनलोड हो चुका है अब मुझे अगर इसको एक्सपोर्ट करना है सिंपली सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट स्टीम फाइल एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास लोकेशन आ जाएगी मल्टीपल एंड यू कैन सेव दैट पी फाइल नाउ फोल्डर के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ऑथेंटिकेटर का भी डाउनलोड कर रखा है आप आईपीए फाइल को एनालिसिस तो नहीं कर सकते डिपेंडेंसीज है बट डॉकर के अंदर मे बी ऑप्शन हो सकते हैं सो यू कैन ट्राई थ्रू द डॉकर एज वेल बट अगर आप मैनुअली इंस्टॉल कर रखे हैं मोबेसेफ सो ये आपके वर्क नहीं करेगा सो so उस केस के अंदर आपको लेनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही होगा सो गाइज दिस इज द लाइक द सिंपल वीडियो फॉर एक्सपोर्ट द आई पी एफ आइल सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ जब तक टाटा बाय बाय